क्या ये भी डबल मेम्ब्रेन कोटेड ऑर्गेनेल है जो एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं और प्लांट सेल में मौजूद होते हैं। प्लांट सेल में क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। क्यों ये एब्सेंट होता है एनिमल सेल में? क्यों एब्सेंट होता है? फोटोसिंथेसिस नहीं होती, वो तो हेटरोट्रॉपिक है। वो क्या है? हेटरोट्रॉपिक है। तो इस वजह से ये एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। इसके और प्रॉपर्टी ये है, ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है। सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल का मतलब ये है कि इसमें अपना जीनोम है, इसमें अपना क्या है? जीनोम से, अपनी जीन से, डीएनए से, ठीक है, आरएनए है, कोशिकाओं से। तो ये इसको हम सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल कहते हैं। माइटोकांड्रिया और ये दोनों सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल से। अगर हम इसकी बात करें तो प्लास्टिड की तीन टाइप्स होती है। क्या होती है? एक है क्लोरोप्लास्ट, एक है क्रोमोप्लास्ट और एक है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये ग्रीन कलर में होते हैं। इसके मुख्य अंग होते हैं ग्रीन कलर में। क्यों होते हैं? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मौजूद होते हैं और वो ग्रीन कलर से क्या होते हैं, ग्रीन कलर्स का होते हैं, इसलिए ये क्या है? ग्रीन कलर। क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर्स है लेकिन इसमें ग्रीन कलर्स नहीं है। समझ रही है? इसमें रेड हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, लेकिन ग्रीन कलर्स नहीं है इसको। और ल्यूको का मतलब क्या है? कलरलेस। तो ये प्लास्टिड का वो टाइप है जिसका कोई कलर नहीं है, इसको क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट के हम स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो क्लोरोप्लास्ट ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इसका स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन में ये फ्लूइड फील्ड स्पेस फ्लूइड मौजूद है। इसको फ्लूइड स्पेस को हम स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। ये अंदर जितना भी इलाका है ये क्या है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या है? इसमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स है, प्रोटीन, एंजाइम जितनी भी है वो इसमें मौजूद है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसका नाम है रूबेस्को। क्या नाम है? रूबेस्को एंजाइम है। तो ये क्या कर लेते हैं कि ये स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। क्या होते हैं? स्ट्रोमा में क्या होते हैं? डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो स्ट्रोमा में होते हैं। ठीक है, अब स्ट्रोमा के अंदर मेम्ब्रेन है। इसके अंदर क्या है? मेम्ब्रेन से, मेम्ब्रेन सैक है। इस मेम्ब्रेन सैक को हम टेलोकाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये टेलोकाइड मेम्ब्रेन एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के साथ इस तरह अरेंज हुए जिस तरह आप काइंस रखते हैं। क्या रखते हैं? काइंस रखते हैं। तो इस एक को, एक काइन को टेलोकाइड कहते हैं, लेकिन ये सारे अरेंजमेंट को, ये सारे अरेंजमेंट को हम ग्रेना कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेना। तो ये ग्रेना जो है ये एक्चुअली इज अ कलेक्शन ऑफ टेलोकाइड्स, कलेक्शन ऑफ टेलोकाइड डेटा आर प्लेस अपॉन ईच अदर। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेना। और एक को क्या कहते हैं? टेलोकाइड। अब इस ग्रेना के अंदर जो है, ठीक है ना, टेलोकाइड की और ग्रेना के अंदर क्लोरोफिल मौजूद है। क्या मौजूद है? क्लोरोफिल। तो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो काफी होते हैं, वो काफी होते हैं लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस स्ट्रोम लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्रेना में, क्योंकि इसमें क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल मौजूद है। दूसरा काइंड है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का ये प्लास्टिड का वो टाइप है जिसमें ग्रीन कलर नहीं हो सकता और बाकी जितनी भी कलर्स है वो हो सकते हैं। ठीक है, अभी ये क्रोमोप्लास्ट फ्लावर्स की पिटल में मौजूद होते हैं, फ्रूट्स में मौजूद होते हैं और वेजिटेबल में मौजूद होते हैं। किस में मौजूद होते हैं? अच्छा, तो इसका फंक्शन क्या हुआ? इसका फंक्शन ये है कि ये फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को और फ्लावर को मुख्तलिफ कलर्स देते हैं। क्या देते हैं? कलर्स देते हैं। इसका एक और इम्पोर्टेंस ये है कि ये फ्लावर्स को ब्यूटीफुल कलर देते हैं, अट्रैक्टिव कलर देते हैं। तो इंसेक्ट्स आके यहाँ पे बैठते हैं, इंसेक्ट आके यहाँ पे बैठते हैं। तो एक ये कि पॉलिनेशन में मदद भी देते हैं, पॉलिनेशन में मदद देते हैं। और फ्रूट्स में जब कोई परिंदा जो भी इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं तो फ्रूट्स में ये बैठते हैं, तो ये सीड का डिस्पर्शन में भी मतलब मदद देते हैं। ठीक है बेटा, और ये अच्छा, अभी अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट ये क्या है? कलरलेस। ये क्या है? कलरलेस। और ये क्या होते हैं? स्टोरेज ऑर्गन में मौजूद है, अंडरग्राउंड पार्ट में ज्यादातर मौजूद होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक ल्यूकोप्लास्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ जिसका नाम है इमायोप्लास्ट। क्या है? शुगर बॉडीज का स्टोरेज। शुगर पेपर में आ जाए कि पेपर में आ जाए कि प्लास्टिड का क्या फंक्शन है, तो आप कहें कि प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, इसका कारण है ना, वो फोटोसिंथेसिस डार्क और लाइट रिएक्शन इसमें होते हैं। इसके अलावा क्रोमोप्लास्ट है वो कलर देते हैं फ्रूट को, वेजिटेबल्स को। ठीक है, पॉलिनेशन में मदद देते हैं। किस में मदद देते हैं? पॉलिनेशन में मदद देते हैं, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में मदद देते हैं, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में मदद देते हैं। इस तरह ल्यूकोप्लास्ट भी प्लास्टिड में आता है ना, तो ल्यूकोप्लास्ट में वो क्या कर लेते हैं? स्टोरेज ऑफ फूड। क्या कर लेते हैं? आपने सारा लिखने तो यू क्लोरो, तो ये प्लास्टिड का फंक्शन। ठीक है, कल हम इंशाल्लाह माइटोकांड्रिया डिस्कस करेंगे।